हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर देखेंगे। ये जो करेंट अफेयर होगा अक्टूबर महीने मतलब अक्टूबर 2023 का संपूर्ण करेंट अफेयर्स हम दो वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। ये जो है पार्ट वन होगा जिसमें हम लगभग 25 से 30 करेंट अफेयर का एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद जो है इसका पार्ट नंबर टू भी आएगा, ठीक है। इसमें पार्ट वन और पार्ट टू दोनों मिलाकर हम अक्टूबर 2023 का जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये करंट अफेयर क्यों आवश्यकता है। जितने भी एग्ज़ाम होंगे इन फ्यूचर होने वाले, इवन सीजीपीएससी होगा या फिर जितने भी एग्ज़ाम होगा 2023 के अभी लास्ट में या फिर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले होंगे वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा ही। तो चलिए हम इस करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत कब की गई है, ठीक है। अप्रैल 2023, मई 2023, सितंबर 2023 या फिर अक्टूबर 2023। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 2023 में। या अगर डेट देखना है तो 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ का जो परिवहन विभाग है छत्तीसगढ़ शासन का, उसके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको निशुल्क परिवहन की सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी, ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इससे आसानी होगा छात्रों को, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के कॉलेज से घर जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि कौन सी योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के कौन लाभार्थी होगा, इसमें किसे लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो अभी बताया कि सरकारी कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होंगे, जो सभी युवा होंगे, उनको लाभ प्राप्त होगा। अगला चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू खरीफ सीजन के लिए कोदो का समर्थन मूल्य कितना रुपए करने का निर्णय लिया गया है, 2800 रुपये, 3000 रुपये, 3200 या फिर 3350, क्या किया गया। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3200 रुपये करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कोदो की मैं बात करूँ ना, कोदो कितना, 3200। अगला पाँचवा प्रश्न है हमारा कि कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 पहले था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3150, 3250, 3350, 3450। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3350। तो कोदो का मैंने क्या बताया, कोदो का जो समर्थन मूल्य है वो कर दिया गया है 3200 रुपये, और जो कुटकी है उसका कितना, 3350, 3350 रुपये 3100 से बढ़ा के कर दिया गया, ठीक है। अगला हमारा छठवां प्रश्न हो जाएगा कि इस वर्ष प्रदेश में रागी फसल का उपार्जन केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य खालिस्तान रुपए प्रति क्विंटल के अनुसार किया जाएगा। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3846 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रागी फसल का उपार्जन किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया, ठीक है, 3846 रुपये प्रति क्विंटल, किसका, रागी का, ठीक है। चलिए हम अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि प्रदेश में मिलेट्स उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ मान से कितने रुपए का सहायता राशि दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितना भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलेट्स मिशन योजना के तहत, अच्छा कोई क्वेश्चन एक कर रहा हूँ, कॉमेंट करके बताएं कि प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे की शुरुआत कहाँ की गई थी, कॉमेंट करिएगा, ठीक है। तो जो मिलेट्स के उत्पादक कृषक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ सहायता राशि के रूप में उनके 9000 रुपये जो है दिया जाएगा, याद रखिएगा कितने, 9000 रुपये। अगला प्रश्न है हमारा आठवां कि राज्य महुआ बोर्ड के गठन का क्या उद्देश्य है, बताना है कि राज्य महुआ बोर्ड का जो गठन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए गठित किया गया था, महुआ का संग्रहण के लिए, मूल्य संवर्धन के लिए, प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए,
उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है महुआ बोर्ड गठन का उद्देश्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न क्या होगा। नवा प्रश्न है, राज्य महुआ बोर्ड कौन से विभाग के अंतर्गत आएगा। ये तो आप कॉमन सी बात है, आप इसको बता सकते हैं कि किसके अंतर्गत आएगा, राजस्व विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग या फिर सहकारिता विभाग। गलती से कृषि विभाग मत मार दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा वन विभाग। वन विभाग के अंतर्गत ही राज्य महुआ बोर्ड आएगा। ठीक है, अब हमारा दसवां प्रश्न आज का, कि इसमें से किसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, क्योंकि इससे जस्ट पहले कौन थे, हमारे टामन सिंह सोनवानी थे, तो उनके जगह पे अभी नया जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। हालांकि वो सदस्य भी है, लेकिन कार्यकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर प्रवीण वर्मा या फिर डॉक्टर खेलन राम जांगड़े, किसे बनाया गया। तो इसका सही आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, अगर खुद को अपडेट रखते होंगे तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर प्रवीण वर्मा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अर्थात कह लीजिए कि CGPSC का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी उसी संबंधित है कि जो प्रवीण वर्मा है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के हाल ही में लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष की जो नियुक्ति की गई है, इससे पहले कौन सी संस्था में वो कार्यरत थे। ये भी अच्छा ही प्रश्न है, कौन सी संस्था में इससे पहले वो कार्यरत थे। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग में ही थे, सदस्य के रूप में तो ऑलरेडी वो थे ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी उसी संबंधित है कि जो अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण वर्मा हैं, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष अभी बनाया गया है, वो किस जिले से हैं, कबीरधाम, बेमेतरा, पाटन या फिर अंबिकापुर, किस जिले के हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, वो बेमेतरा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इससे पहले वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में वो कार्यरत अभी भी हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये हमारे 12 प्रश्न हो गए। चलिए 13वां प्रश्न है कि इसमें से कौन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। श्री KR पिस्दा, श्री टामन सिंह सोनवानी, श्री BL ठाकुर और श्री अनुराग पांडे, कौन इसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अभी तक वर्तमान तक अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री अनुराग पांडे जो हैं अभी तक इनमें से तो नहीं है, बाकी जो तीन है ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कभी ना कभी ये अध्यक्ष रहे हैं। एक क्वेश्चन करता हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट करके आप सब बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन है तो आपसे बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा 14वां है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, हमारा जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया कब, तो 23 मई 2001 को गठित किया गया था। ठीक है ना, 23 मई 2001 को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आपसे बताएंगे, जैसे कि किसी भी राज्य का जब लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन होता है, तो जब इसका गठन होता है तो हमारे संविधान के, ठीक है, संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, कमेंट करके सब लोग बताएंगे। संविधान अगर पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे, सबके सब लोग इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में गिरिधारी नायक की नियुक्ति कौन सी संस्था में की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, राज्य योजना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसके, तो गिरिधारी नायक, श्री गिरिधारी नायक को, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय गिरिधारी नायक जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन, श्री गिरिधारी नायक, याद रखिएगा। अच्छा, मैं ये पूछ दूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, उसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये 16 अप्रैल 2001 को गठित किया गया था। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 16 अप्रैल 2001 को गठन किया गया था, जिसका वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, गिरिधारी नायक। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए ये है
कि आप ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक का पार्ट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको जरूर अपडेट करके रखिएगा और इसका आंसर कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि कौन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 16वां कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर बेमेतरा, कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे, ठीक है, जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए हुए थे, वो थे केंद्रीय खेल युवा मंत्रालय जो है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर ये मुख्य अतिथि के रूप में थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन की नई दरें निर्धारित की गई है जो कि कब से कब तक के लिए प्रभावी होगा। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, उसके दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने एक घोषणा किया है कि जितने भी नियोजित श्रमिक हैं उनके वेतन की दर अलग होगी, निर्धारित किया गया फिर से। तो इसके तहत ये कब से कब होगा प्रभावी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक। ठीक है, अक्टूबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक ये प्रभावी रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जो कि हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतनमान कितना रुपए निर्धारित किया गया है, 6620, 8620, 10620 या फिर 12620, क्या निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा 10620 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, 10620 रुपीस जो है निर्धारित किया गया है। किसके लिए, अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन को निर्धारित किया गया है। मतलब कहीं भी अगर अकुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो उनको कभी भी 10620 रुपए से कब उनको वेतनमान नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा 10620। अगला 19वां प्रश्न है हमारा कि राज्य महिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, रायपुर, पाटन, भिलाई, दल्ली राजरा, इनमें से ये चारों में से, क्योंकि एक जगह नहीं हुआ था, राज्य महिला फुटबॉल लीग का चैंपियनशिप जो हुआ था वो 2-3 जगहों पे हुआ था। ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं हमको ये बताना है। तो याद रखिएगा कि रायपुर में हुआ था, भिलाई में हुआ था और दल्ली राजरा में हुआ था, पाटन में नहीं हुआ था। तो 1, 3, 4 मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया था, कितना, 9, याद रखिएगा। इस 9 के अंतर्गत देखेंगे तो वयोमित्र, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ कुछ पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, वयोमित्र हो गया, करुणा, आयुर्विद्या, ठीक है, आयुर्विद्या, एनीमिया, ठीक है, इस तरह से टोटल 9 नए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी यहाँ से, याद रखिएगा। तो 9 कब, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 20 प्रश्न हमारे हो गए, अब हम बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये अच्छा प्रश्न है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की स्थापना की गई थी जो कि अभी भली भांति चल रही है, लेकिन अब जो सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग योजना की शुरुआत की गई, तो कब से, अप्रैल 2023, अगस्त 2023, सितंबर 2023 या फिर अक्टूबर 2023, कब से शुरू की गई है। तो ये अक्टूबर 2023 से शुरू की गई, अगर डेट भी अगर याद रखना है तो आप रख सकते हैं। देखिए, इसके लिए घोषणा कब किया गया था अगर आपसे पूछ दे, तो घोषणा 25 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और इस घोषणा के तहत ही अक्टूबर 2023 में इसकी शुरुआत कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसका डेट याद रखना है तो आप रख सकते हैं 3 अक्टूबर से। ठीक है,
3 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका घोषणा कब, तो 25 सितंबर 2023 को घोषणा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य के जितने भी 11वीं 12वीं की कक्षा के छात्र हैं उनको मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश दिलाने के लिए नीट का, ठीक है, जेई का, जेडब्ल्यूई का, ये सब का तैयारी फ्री में कराया जाएगा। इसके लिए जो नोडल विभाग होगा स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसका पूरा सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके तहत स्वामी आत्मानंद निःशुल्क कोचिंग योजना जो है इसके तहत कुल 150, ठीक है, कोचिंग की शुरुआत की जा चुकी है, ठीक है, प्रावधान किया गया, कितने, 150। और जितना भी डिटेल अभी बताया हूँ इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, अगला है 47वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, वह किस खेल से संबंधित है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो ज्ञानेश्वरी यादव हैं ये कहाँ की हैं, कोई कमेंट करके बताएं कि ये कौन से जिले के, छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित हैं, और ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ठीक है, किससे, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 47वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, ठीक है, और ये जो है कहाँ की हैं, तो ये हैं राजनंदगांव की, ठीक है, कहाँ की हैं ये, राजनंदगांव की हैं, याद रखिएगा। और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ये 47वीं खेल प्रतियोगिता जो है ये 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है, ठीक है, ठीक है। और इसका इसका जो जो ये खेल है ये कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो गोवा में, ठीक है। यहीं पर इसी से संबंधित एक और भी क्वेश्चन है, 47वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, तो गोल्ड में तो हमारी ज्ञानेश्वरी यादव जो है इन्होंने जीता था, लेकिन अगर बैडमिंटन से आपसे पूछ ले तो आकर्षि कश्यप, ठीक है, इन्होंने वहां पर क्या जीता था, तो बैडमिंटन के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता आकर्षि कश्यप ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये राजनांदगांव जिले की हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो हमारा 25वां प्रश्न होगा, और इस वीडियो का जो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर अक्टूबर का है उसमें पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाल ही में राज्य शासन ने प्रदेश में कार्यरत बिहान कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहान योजना जो है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। बिहान योजना एक्चुअली में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आजीविका मिशन के अंतर्गत आता है बिहान योजना, और इसकी जो शुरुआत की गई थी ये अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग अप्रैल 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। वर्तमान में इसके जो बिहान योजना के जो कर्मी हैं उनके जो मानदेय राशि होता उसमें 27% की वृद्धि कर दी गई है। जब ये प्रारंभ हुआ था 2023 में तो उस समय जितने भी विकास खंड थे 64 विकास खंडों में इसको चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 25 प्रश्न देखा जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अक्टूबर 2023 के करेंट अफेयर के रूप में। ये था हमारा पार्ट वन, तो जल्दी ही आपके लिए ये पार्ट टू भी मैं लेकर आऊँगा। ये दोनों पार्ट जो है सफिशियंट होगा अक्टूबर महीने के करेंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम सब मिलकर सभी तरह के प्रश्नों का जो डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है, सारा चीज़ वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।